दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की साइडलाइन मुलाकात को लेकर नई जानकारी सामने आई है। भारत ने चीन के इस दावे को नकार दिया है कि मुलाकात भारत के आग्रह पर हुई है। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच साइडलाइन मुलाकात हुई, इस पर अब ताजा जानकारी सामने आई है। कहा गया है कि चीन ने ही पीएम मोदी से बातचीत का अनुरोध किया था। इससे पहले चीन ने दावा किया कि ये मुलाकात भारत के अनुरोध पर हुई है, जबकि नई जानकारी के मुताबिक भारत ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ये मुलाकात चीनी पक्ष की ओर से लंबित थी। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ जिनयिंग ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। दोनों नेताओं ने वर्तमान चीन भारत संबंधों और साझा हित के अन्य सवालों पर स्पष्ट और गहन विचारों पर चर्चा की। इससे पहले विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने शी जिनपिंग समेत अन्य ब्रिक्स नेताओं के साथ बातचीत की। शी जिनपिंग के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने LAC और भारत चीन सीमा के साथ अन्य क्षेत्रों में अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं पर प्रकाश डाला। दोनों नेताओं के बीच वर्तमान चीन भारत संबंधों और साझा हित के अन्य सवालों पर विचारों का स्पष्ट और गहन आदान प्रदान हुआ। डीडी आस्क्ड अबाउट द फॉर्मल इंटरेक्शन और द फॉर्मल मीटिंग। लुक, एज आई रीड आउट टू यू, इट वाज अ कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड एज आई सेड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। Prime Minister had interaction with other BRICS leaders, and in that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. भारत की ओर से बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन भारत संबंधों में सुधार दोनों देशों और लोगों के साझा हितों को पूरा करता है और दुनिया और क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास के लिए भी अनुकूल है। बहरहाल भारत की तरफ से इस दावे को नकार दिया गया है कि भारत की ओर से पहल के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि चीनी पक्ष की ओर से भारतीय पक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लीडर्स लाउंज में अनौपचारिक बातचीत हुई थी। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।